Hello friends, today you are watching my channel Raval, Jalpa and subject programming C part 3 simple program. कोई भी मैसेज डिस्प्ले करते हैं तो कैसे रन करें, कंपाइल कैसे करें वो हम आज छोटा सा प्रोग्राम मैसेज डिस्प्ले कैसे होता है वो देखेंगे. तो हमने कल देखा कि हेडर फाइल कैसे इनपुट आउटपुट कैसे मैसेज प्रिंट करती है, वैसे ही आज हम लिखेंगे हैज इंक्लूडिंग stdio.h एंड उससे क्या होता है, इनपुट आउटपुट हमें मिलता है कोई भी मैसेज का. और दूसरी हेडर फाइल तो हैज इंक्लूडिंग conio.h उससे क्या होता है कि कोई भी अगर आगे आउटपुट होता है तो उससे प्रोग्राम क्लियर हो जाता है. और गेट सी एच लिंक के है, ये हेडर फाइल कहाँ होती है, लिंक में होती है, फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इसमें गेट सी एच का, कौनियो लिख सकते हैं तो उसमें पूरा डिस्प्ले क्लियर हो जाता है. मेन फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से और ओवर कर्ली ब्रैकेट से होता है. उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड डिक्लेरेशन. अभी हम यहाँ प्रोग्राम में डिक्लेरेशन पार्ट नहीं लेते हैं, एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव से क्या होता है, जो हम मैसेज प्रिंट करते हैं वो आउटपुट में दिखेगा. अभी हम लिखेंगे एक लाइन प्रिंट एफ, उसमें काउंस ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम प्रोग्रामिंग सी एंड ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, गेट सी एच. गेट सी एच से क्या होता है, आउटपुट में जो मैसेज जब तक होल्ड हो जाता है, हम कीबोर्ड से कोई भी की अगर प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो आउटपुट वहाँ का वहाँ होल्ड हो जाएगा. और उसके ऊपर हम अभी लिखेंगे सी एल आर एस सी आर मीन्स क्लियर. आगे का कोई भी प्रोग्राम ओपन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, उसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा. अभी जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं उसी का मैसेज दिखाई देगा क्लियर से पूरी. और अब हम सेव कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, हाउ टू सेव. तो प्रोग्राम में हम सेव दो तरह से, फाइल में जाके सेव कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की क्या है सेव करने के लिए, अल्टर प्लस एफ नाइन करोगे तो क्या होगा, कंपाइल होगा प्रोग्राम. सेव के बाद प्रोग्राम कंपाइल होगा. कंपाइल कैसे हो, जो आपने ये प्रोग्राम लिखा है अगर आप सेमी कोलन मिसप्लेस हो गए, आप भूल गए तो अभी एरर जनरेट करेगा कि इस नंबर की एरर इस लाइन में है, ऐसा नंबर कोड जनरेट करेगा. अगर हमने पूरा प्रोग्राम ही क्लियर लिखा है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, जीरो एरर ऐसा डिस्प्ले होगा मैसेज, कंपाइल करो तो ऐसा ही होगा, बाद में रन होगा. अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो वहाँ से वो कंपाइलर वहाँ से आगे नहीं जाएगा और रन नहीं होगा, उसमें आएगा कि जीरो एरर तभी रन होगा. तो रन की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ नाइन करते ही आपका प्रोग्राम आउटपुट आ जाएगा. तो आज हमने ऐसा सिंपल ही प्रोग्राम देखा है, आगे पार्ट 4 में देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे प्रोग्राम बनाने की प्रेरणा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.